सो लास्ट वीडियो से हमने अपना एक सेक्शन स्टार्ट किया था जो कि था रोल ऑफ पार्लियामेंट, और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है। पहला था कि भाई नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना, दूसरा था कि उस गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना, और तीसरा था लॉ मेकिंग का कि भाई कानून बनाना। तो ये तीन मेन फंक्शंस जो है वो पार्लियामेंट प्ले करती है। तो हम इन तीनों ही फंक्शंस को अलग से डिटेल में एक एक वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, की नेशनल गवर्नमेंट को चुनना जो है वो एक काम है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा। तो जो पार्लियामेंट है उसके एक तरीके से तीन हिस्से हैं, पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। राइट, लोकसभा एक ऐसी बॉडी है जिसमें कि डायरेक्टली लोग जो है वो चुन के आते हैं। लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो हम खुद वोट देते हैं, और जो लोग जो है लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं वो डायरेक्टली हमसे चुन के आते हैं। राइट, वहीं हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए हम डायरेक्टली वोट नहीं देते। और इस तरीके से प्रेसिडेंट के चुनाव देखा होगा आपने कि उनके लिए हम वोट नहीं देते, हम तो पीएम के लिए वोट देते हैं जो कि एक तरीके से लोकसभा के मेंबर हैं। हम पीएम के लिए वोट देते हैं, हम कभी प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं देते। जो लोग हैं, आम जनता है, उनके लिए वो जो है वो प्रेसिडेंट को वोट नहीं देते। मतलब कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं इलेक्ट होते, जो प्रेसिडेंट है उनको इनडायरेक्टली राज्यसभा, लोकसभा या ये सब के जो मेंबर्स हैं वो चुनते हैं। राइट, सो लोकसभा जो है एक तरीके से वो बॉडी है जहाँ पे डायरेक्टली लोग चुन के आ रही हैं, और लोकसभा ही मेन वो हम कह सकते हैं ऐसी बॉडी है जहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। अब जब लोकसभा के इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, एक लिस्ट निकलवाई जाती है कि भाई जितने भी लोग जीत के आए उन सभी जीतने वाले लोगों में से कितने लोग किस किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो मान लो 10 सीटों के लिए इलेक्शंस हुए थे, इसका मतलब 10 लोग जो है वो जीत के आए। अब ये जो 10 लोग थे वो तीन पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, मतलब एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी और एक पार्टी है सी। इन 10 में से 6 ऐसे लोग थे जो कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग कर रहे थे, हमने यहाँ ले लिया ए पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं। राइट, इसमें से 3 ऐसे लोग थे जो कि बी पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, और 10 में से 1 पर्सन ऐसा था जो कि सी पार्टी को बिलोंग कर रहा है। राइट, तो 10 लोग जीत के आए, 10 में से 6 ए के हैं, 3 जो है वो बी पार्टी के हैं और 1 सी पार्टी का है। तो इस तरीके से एक लिस्ट निकलवाई जाती है ये देखने के लिए कि भाई कितने लोग किस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं। जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो भी 2019 में इलेक्शंस हुए थे उसके रिजल्ट बताए हुए हैं कि भाई 543 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए थे। इन 543 सीट्स में से जो लोग जीत के आए उनमें से 303 ऐसे लोग थे जो कि बीजेपी को बिलोंग कर रहे हैं, 52 ऐसे लोग थे जो कि नेशनल कांग्रेस को बिलोंग कर रहे हैं, 24 ऐसे जो डीएमके को कर रहे हैं। मतलब ये पूरी लिस्ट जो है ये बताती है कि इन 543 में से कौन कौन से लोग, कितने लोग जो है किस किस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं। अब ये क्यों जरूरी है, इस तरीके से लिस्ट निकलवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनेगी ना वो इसी के बेसिस पे बनेगी कि भाई किस पार्टी से कितने लोग बिलोंग करते हैं। तो किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए कि जितनी भी सीटों पे इलेक्शंस हुए हैं उनमें से आधा या उससे ज्यादा पे जो है लोग होने चाहिए पार्टी बनाने के लिए। मतलब कि जैसे 10 में से कम 5 और उससे ज्यादा लोग होने चाहिए ए पार्टी के ताकि वो गवर्नमेंट बना सके। कोई भी पार्टी, अगर बी पार्टी को गवर्नमेंट बनानी है तो भी यही क्राइटेरिया कि भाई अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो आपके पास हाफ से ज्यादा जो है वो मेंबर्स होने चाहिए। तो इस एग्जांपल में दिख रहा है कि ए पार्टी ऐसी है जिसके पास 6 मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होके आए हैं, जीत के आए हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट बनाने का अधिकार किसको मिलेगा, ए पार्टी को मिलेगा। जैसे कि हमने अभी देखा ये एग्जांपल में कि भाई 2019 में जो इलेक्शन हुए उसमें से सबसे ज्यादा जो मेंबर्स थे वो बीजेपी के थे, और हमें पता है आज जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, बीजेपी की है। राइट, तो इस तरीके से गवर्नमेंट बनती है उस पार्टी के द्वारा जो कि सबसे ज्यादा मेंबर्स जिसके पास होते हैं। बट क्या कभी कभी क्या होता है कि भाई एक पार्टी के पास जो है मेजोरिटी नहीं होती। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई ए पार्टी ऐसी है जिसके पास हाफ से ज्यादा जो है वो मेंबर्स हैं। अब हम एक और सिनेरियो ले लेते हैं जहाँ पे ए के पास जो है वो 4 मेंबर्स हैं, बी के पास जो है वो 3 मेंबर्स हैं, और सी के पास जो है वो कितने मेंबर्स हैं, इसके पास भी 3 ही मेंबर्स हैं। तो टोटल हो गए 10, मतलब कि 10 लोग जो है वो जीत के आए थे उनमें से 4 ए को बिलोंग कर रहे हैं, 3 बी को और 3 ही सी को।
इसका मतलब इनमें से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास कम से कम 5 जो लोग हैं वो हैं, नहीं है भाई, 4 है, 3 है, 3 है, हमें तो आधे चाहिए ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि अ पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द मेंबर्स, मेजोरिटी अगर आपको चाहिए तो आपके पास कम से कम आधे जो जनता है वो होनी चाहिए, जितनी भी सीटों पे इलेक्शंस हुए हैं उनमें से कम आधा आपके पास मेंबर्स होने चाहिए। तो 10 सीटों पे इलेक्शंस हुए थे, 10 का हाफ क्या है, 5, तो मतलब कि इन पार्टीज के पास कम से कम 5 मेंबर्स होने चाहिए अगर वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। तो सेकंड सिनेरियो में हमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या भाई, देश में गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी। नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप कोलिशन की गवर्नमेंट बना सकते हो, आप गठबंधन की सरकार बना सकते हो। तो ये जो ए और बी पार्टी है, इन्हें लगा कि ठीक है काम करते हैं, हमारे मत मिलते हैं, हमारे विचार मिलते हैं, और आपके पास 4 लोग हैं, हमारे पास 3 लोग हैं, तो एक काम करते हैं, दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो हमारे पास 7 लोग हो जाएंगे और हम दोनों मिलके गवर्नमेंट बना लेंगे। तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना रही, बट दो पार्टी मिलके साथ आ रही हैं ताकि उन्हें मेजोरिटी मिल पाए। मेजोरिटी कब मिलेगी, जब 5 या उससे ज्यादा होगा। तो जैसे ही ए और बी साथ में आए तो उनके पास 7 मेंबर्स हो गए, जो कि हाफ से ज्यादा है। इसका मतलब अब ए और बी जो है वो मिलके गवर्नमेंट बना लेंगे। तो कभी कभी हमें इस तरीके से कोलिशन की, या यूं कहें गठबंधन की सरकार जो है वो देखने मिलती। तो जो लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। अभी देखो यहाँ पे हम वापस से अपने पहले सिनेरियो पे आ जाते हैं। पहले सिनेरियो में क्या था कि भाई ए के पास मेजोरिटी थी तो उसने गवर्नमेंट बना ली, बट ये जो बाकी दो पार्टीज बची और बाकी ये जो 4 मेंबर्स बचे, क्या इनका क्या कुछ भी नहीं, ये बस यूं ही जीत के आए, इनका कोई बेनिफिट नहीं होगा इनको, नहीं। तो ये जो 4 लोग बचे, 3 लोग बी पार्टी के और एक जो है वो सी पार्टी के, इन चारों को मिलके हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, अपोजिशन है, ठीक है, अपोजिशन। अब इस अपोजिशन में भी देखो, दो पार्टीज हैं, एक बी एंड सी, और एक पार्टी के पास इन दोनों में से ज्यादा है। मतलब अपोजिशन में हमें दो पार्टी दिख रही है, बी के पास 3 है और सी के पास 1 है, मतलब ज्यादा किसके पास है अपोजिशन में, बी पार्टी के पास ज्यादा मेंबर्स हैं, तो बी पार्टी को हम कहेंगे अपोजिशन पार्टी, ठीक है। तो बस पार्टी का ही डिफरेंस है, दोनों को मिला के हम कहेंगे अपोजिशन। और इन दोनों में से जिस पार्टी के पास, मतलब अभी तो हमारे एग्जाम्पल में दोनों है, मान लो 10 पार्टियां हैं, 5 पार्टियां हैं, तो उन पार्टीज को सबको मिला के जिन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई है, यहाँ पे ए ने गवर्नमेंट बना ली तो बाकी बची ये पार्टीज, तो जिन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई है उन सभी को मिला के हम क्या कह रहे हैं, अपोजिशन। और इन पार्टीज में से जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में है कि भाई बी पार्टी के पास 3 मेंबर्स हैं जो कि एक से ज्यादा ही है ना, तो बी पार्टी को हम क्या कहेंगे, अपोजिशन पार्टी कहेंगे। अपने रियल एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं कि भाई देखो 303 जो मेंबर्स थे वो भारतीय जनता पार्टी के पास थे, इसका मतलब कि भाई ये तो आराम से गवर्नमेंट बना लेगी, बट फिर इन सभी लोगों का क्या होगा, ये सभी लोग मिलके क्या बनाएंगे, ये सारी पार्टीज जितनी भी आपको दिख रही है, ये सारी पार्टीज किसका हिस्सा है, नीचे तक ये हिस्सा है अपोजिशन का, इन सबको मिला के हम कहेंगे ये अपोजिशन है। भले ही इनके पास एक ही मेंबर है बट स्टिल दे विल बी अ पार्ट ऑफ अपोजिशन। अब इन सभी अपोजिशंस में से हमें दिख रहा है कि भाई एक पार्टी ऐसी है जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है, जो कि है 52 वाली पार्टी, ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास अब सिर्फ ये देखो जो अपोजिशन बचा, इनमें से सबसे ज्यादा लोग हैं नेशनल कांग्रेस के पास, तो ये जो पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे हम अपोजिशन पार्टी कहेंगे, राइट। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1 इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। तो देखो हमने देखा कि भाई पार्लियामेंट का एक हिस्सा है लोकसभा, लोकसभा के इलेक्शंस हुए तो भाई जिसके पास सबसे ज्यादा मेंबर्स थे वो पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली। अब देखो लोकसभा का अगर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन की हम बात करें तो वो है एग्जीक्यूटिव को चुनना। अब फर्स्ट चैप्टर पे वापस जाते हैं और याद करते हैं कि हमने पढ़ा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की 3 बॉडीज हैं, 3 पिलर्स हम कह सकते हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर में क्या होता है भाई, लॉज वगैरह बनते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। और जुडिशरी क्या है, जुडिशरी न्याय देने का काम कर रही है। लोकसभा का एक इम्पॉर्टेंट काम है इस एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना, ये जो एग्जीक्यूटिव वाली बॉडी है इसके लिए लोगों को चूज करना, सिलेक्ट करना। और जब हम नॉर्मली गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम इस एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात करते हैं, राइट। तो देखो गवर्नमेंट जो है, आप बोलोगे कि आप कह रहे हो लेजिस्लेचर वो होता है जो लॉज बनाती है, पर गवर्नमेंट ही तो लॉज बनाती है, तो नहीं, गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी से लॉज नहीं बना सकती, उसके लिए पार्लियामेंट में पूरी चर्चा होती है, डिबेट होते हैं, बहस होती है, और फिर
एक तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसमें कि अपोजिशन के भी मत रहते हैं, अपोजिशन का भी जो है सहमति रहती है, उस तरीके से जो लॉ है वो बनता है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अपनी मर्जी से ऐसे लॉ नहीं बना सकती, जो लोग मेजोरिटी में हैं वो लोग इस तरीके से लॉ नहीं बना सकते, राइट। मतलब कि लॉ कौन बना रहा है, वो पार्लियामेंट में बन रहा है, गवर्नमेंट प्लस जो अपोजिशन है वो सभी मिलके किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, किसी लॉ को लाने की बात कर रहे हैं। तो लॉ बनाने में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं होता, उसमें अपोजिशन भी इन्वॉल्व रहती है, पूरी पार्लियामेंट जो है, लोकसभा जो है वो इन्वॉल्व रहती है। पार्लियामेंट जो है उसमें बहस हो रही है, उसमें जो है मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उसके बेसिस पे लॉज बन रहे हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली अब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का काम जब हम बात करते हैं तो उसका हम नॉर्मली एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव, उसका काम क्या होगा कि जो सभी लोगों ने मिलके पार्लियामेंट में जो लॉज बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका रहेगा, एग्जीक्यूटिव का, राइट। तो इस चीज को हम वापस से एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। क्योंकि पार्लियामेंट के जो है वो तीन हिस्से हैं, तीन बॉडीज हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा जो है उसके इलेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, हम खुद वोट देते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी लोग इलेक्ट होके आते हैं उसमें ये देखा जाता है कि कितने लोग किसी किस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जिस भी पर्टिकुलर पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, मतलब कि जितनी सीटों के लिए इलेक्शंस हुए थे उनमें से हाफ कम से कम किसी भी पार्टी के पास होने चाहिए मेजोरिटी में आने के लिए। तो जो पार्टी मेजोरिटी में होगी वो गवर्नमेंट बना लेगी। बट कभी कभी हमें ये देखने मिलता है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि दो तीन पार्टियां मिलके मेजोरिटी बना लेती हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। तो फिर वो दो तीन पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं, कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है, राइट। अब एक जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है लोकसभा का वो ये है कि वो एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है, राइट। इलेक्ट नहीं, सिलेक्ट, तो डिफरेंस है। तो लोकसभा क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट कर रहा है। हमने अब कॉन्स्टिट्यूशन पे पढ़ा था कि भाई तीन जो पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनमें से एक है एग्जीक्यूटिव। तो वही एग्जीक्यूटिव किसके द्वारा चुने जा रहे हैं, लोकसभा के द्वारा, ठीक है। कि भाई हमने तो कह दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन की तीन पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया, पर इन बॉडीज में काम करने के लिए लोग आते कहाँ से हैं, है ना। कौन लोग मिलके इन बॉडीज को बना रहे हैं, किन लोगों को हम कह रहे हैं वो लेजिस्लेचर है, किन को हम कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव है, किन को हम कह रहे हैं वो जुडिशरी का पार्ट है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव को बनाने वाला काम है वो कौन कर रही है, जो लोकसभा है वो कर रही है, राइट। तो पार्लियामेंट में जो भी लॉज बनते हैं, तो देखो गवर्नमेंट जो है वो अकेले लॉज नहीं बना सकती, ये हमने डिस्कस कर लिया। जो भी लॉज बन रहे हैं वो पूरी पार्लियामेंट मिलके बना रही है, और जो भी पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, वो गवर्नमेंट कर रही है, एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है वो कर रहा है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। अब रूलिंग पार्टी जो है हमने चुन ली गई, जो भी पार्टी मेजोरिटी में है वो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, और उस मेजोरिटी वाली पार्टी का जो लीडर है उसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मतलब कि जैसे ये वाला जो यहाँ पे था एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नहीं ये तो सिनेरियो है पूरा रियल लाइफ, इसमें क्या है 303 लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलके आए। अब ये जो 303 लोग हैं इन्होंने मिलके अपना लीडर चुना, इनका लीडर कौन है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, तो वो इनके लीडर हो गए, राइट। तो पीएम कौन होता है, जो कि रूलिंग पार्टी का, वो गवर्नमेंट बना ली भाई, 303 मेंबर्स थे बीजेपी के पास, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट बना ली, तो उसको हम रूलिंग पार्टी भी कह सकते हैं। तो रूलिंग पार्टी का लीडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट्स द मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। अब यहाँ पे इनका लीडर तो बन गए, लीडर तो मोदी जी बन गए, बट मोदी जी जो है वो सारा काम अकेले तो संभाल नहीं सकते, है ना। पूरे देश को संभालना है, देश में भी अलग अलग हिस्से होते हैं, है ना। किसी को रोड पे काम करना है, किसी को एजुकेशन के सेक्टर पे काम करना है, किसी को हेल्थ के सेक्टर पे काम करना है, किसी को वेलफेयर का काम करना है लोगों के। इस तरीके से बहुत सारे जो हैं हिस्से होते हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, और उस पर एक पर्सन तो अकेले काम नहीं कर सकता कि भाई पीएम जी जो है अकेला पर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर वो काम कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पीएम क्या करते हैं, वो अपनी हेल्प के लिए बेटर, ताकि अच्छे से काम हो पाए, उसके लिए वो कुछ लोगों को चुनते हैं। तो इन 303 जो लोग चुन के आए ना, इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को पीएम चुनेंगे अपनी हेल्प के लिए, और फिर इन जैसे 303 में से मान लो 50 लोगों को चुना गया। अब इन 50 लोगों को अपना अपना एक एक सेक्टर दे दिया जाएगा, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, किसी को होम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाएगा। इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इन
इलेक्टेड मेंबर्स में से जो लोग जीत के आए, इनकी पार्टी के थे, उनमें से इन 303 में से उन्होंने कुछ लोगों को चुना और उन लोगों को फिर वो एक-एक सेक्टर का काम दे देंगे, ठीक है। तो दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, अपने एमपीज में से कुछ लोगों को चुना और उनको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के काम दे दिए गए। भाई किसी को हेल्थ का काम दिया, किसी का एजुकेशन को, किसी को फाइनेंस का, इस तरीके से उन्हें काम बांट दिया गया। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली क्या देखा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए मेजोरिटी में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। कि जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि भाई 10 सीटों के लिए इलेक्शन हुए, पर एक पार्टी के पास 4 हैं, एक पार्टी के पास 3 और एक पार्टी के पास फिर से 3, राइट। तो मतलब हमें देखने मिल रहा है कि भाई कोई एक पार्टी जो है वो मेजोरिटी में नहीं आ पा रही है। तो इस तरीके से हमें रियल लाइफ में सिचुएशन जो है कई बार देखने मिलती है। तो आपको सॉल्यूशन तो पता ही है इसका, क्या करेंगे हम, कोलिशन की गवर्नमेंट बनाएंगे, राइट। सो दे देन ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न्स टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। इसको हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई जब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती तो वो क्या करती है, वो किसी दूसरे के साथ मिल जाती है जिसको उसे लगता है कि भाई हम लोगों के जो आइडियाज हैं वो मैच कर रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट मैच कर रहे हैं, हम एक ही सोच के हैं, कुछ कुछ एक सोच है हमारी, तो हम क्या करते हैं, हाथ मिला लेते हैं। और दोनों मिलके या तीनों मिलके, जितने भी पार्टीज मिलना चाह रही हैं, वो सभी मिलके गठबंधन की सरकार जो है वो बना लेती हैं, राइट। सो द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। तो देखो जिस तरीके से लोकसभा काम करती है, कुछ उसी तरीके से राज्यसभा का भी काम रहता है। अब राज्यसभा, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये राज्य है, मतलब कि स्टेट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हर एक स्टेट को कुछ लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। तो जो राज्यसभा है वो भी कभी कभी लेजिस्लेशन, मतलब कि लॉ बनाने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर सकती है, राइट। अब हमने देखा था कि कभी कभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसको कोई लॉ बनाना है। अब अकेले गवर्नमेंट तो बना नहीं सकती, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है, जो भी सरकार में है, उसको कोई लॉ बनाना था। अपनी मर्जी से तो वो कहेगी नहीं कि ठीक है भाई कल से हम ये लॉ पास कर रहे हैं, उसको पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो उसने लोकसभा में मुद्दा उठाया कि भाई हमें ऐसे ऐसे लॉ बनाना है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट हमें ना इस चीज पे लॉ बनाना है, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पार्लियामेंट भी, जो लोकसभा है उसके हाथ में ही सब कुछ है, ना ही तो गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ, और ना ही जो लोकसभा है उसके पास भी पावर पूरी तरीके से नहीं है। तो जो गवर्नमेंट है उसने सबसे पहले क्या किया, लोकसभा में मुद्दा उठाया। लोकसभा में सभी लोग राजी हो गए कि ठीक है हम आपसे सहमत हैं। अपोजिशन ने भी हाँ कर दी, मतलब जो भी पूरा प्रोसीजर था इनको यहाँ से जो है मंजूरी मिल गई कि लोकसभा से एक तरीके से पास हो गया बिल, ठीक है। कोई भी लॉ जो है वो लॉ बनने से पहले क्या हो रहा है, बिल होता है, मतलब जब ये पूरे प्रोसीजर से गुजर जाएगा ना तब हम उसको पूरा लॉ कहेंगे। उससे पहले जब तक प्रोसीजर में है तब तक हम इसे जो ड्राफ्ट रहता है, जो एक तरीके से खांचा रहता है, जो चीज आप चाह रहे हो उसका रॉ जो फॉर्म रहती है उसको हम बिल कह रहे हैं, अभी ये लॉ बना नहीं है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि लोकसभा में बात हुई, लोकसभा से ये चीज पास हो गई, अभी आएगी राज्यसभा में, ठीक है। अभी भी ये लॉ नहीं बना है, अब राज्यसभा में जब सहमति होगी तो उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट पे, है ना। और जब प्रेसिडेंट जी भी खुश हो जाएंगे कि हाँ भाई सही है ये लॉ बनना चाहिए, जब वो साइन कर देंगे उसके बाद वो जो बिल है वो लॉ बनेगा, ठीक है। अभी तक ये प्रोसेस में था। तो क्या हो रहा है, तो इसको मोर स्पेसिफिकली बोलें तो एक्ट बनेगा, राइट। तो भाई कोई बात थी, कोई गवर्नमेंट जो है वो किसी मुद्दे पे कानून बनाना चाह रही थी, तो उसने क्या किया, ड्राफ्ट पेश किया, बिल पेश किया जो कि लोकसभा से पास हो गया। अब लोकसभा से पास होके वो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा से पास होके वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और जैसे ही प्रेसिडेंट साइन कर देंगे वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा, राइट। इस तरीके से कोई भी जो कानून है, कोई भी जो एक्ट है वो पास होके आता है। तो सिर्फ और सिर्फ ना ही गवर्नमेंट के हाथ में पावर है, ना ही अकेले लोकसभा के हाथ में पावर है। देखो लोकसभा में तो गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी है, तो लोकसभा के पास भी पावर नहीं है। पूरा पार्लियामेंट जो है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से होकर जो है कोई भी बिल एक्ट बनता है, राइट। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से जो बिल है वो लोकसभा से पास होके कहाँ जाता है, राज्यसभा के पास जाता है, ठीक
It therefore has an important role of reviewing and altering if alteration are needed the laws initiated by the Lok Sabha. इसका मतलब कि भाई राज्यसभा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि मान लो कोई ऐसा लॉ था जो लोकसभा ने तो पास कर दिया बट राज्यसभा को लगा कि भाई इसमें कुछ गलतियां हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है, तो राज्यसभा क्या करेगा, उन ऑल्टरेशन को करेगा कि भाई जो कमियां थी जो खामियां थी उनको सुधारने का काम उस बिल में करेगा कि भाई आपका ये बिल तो ठीक है बट इनमें ये चीजें चेंजेस कर दो तब ये एकदम सही बनेगा, राइट. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट. अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भाई पार्लियामेंट के तीन बॉडीज तो हैं, प्रेसिडेंट हो गया, राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया. अब लोकसभा में तो हम डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं इनको, जो लोकसभा में मेंबर्स बैठ रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट वोट देने से बैठ रहे हैं कि हमने किसी पर्सन को वोट दिया वो जीता और वो लोकसभा में जाके बैठ गया. बट राज्यसभा में ये केस नहीं होता. राज्यसभा में क्या होता है कि जो डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं अलग अलग स्टेट की, राइट, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं इनसे चुन चुन के अलग से लोग जो हैं वो चुन के आते हैं और फिर वो राज्यसभा में बैठते हैं. मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है वो अपने मेंबर्स को चुनते हैं, भाई हरियाणा का स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, पंजाब का हो गया, या इस तरीके से अलग अलग जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वो अपने अपने मेंबर्स को चुन के भेजती हैं और वो मेंबर्स जाके फिर राज्यसभा में बैठते हैं. तो स्टेट लेजिस्लेचर कैसे, जैसे नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट है वैसे ही स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर है. तो यहाँ से चुन के लोग जो है वो जाते हैं राज्यसभा के लिए. तो देखो इसमें कोई डायरेक्टली जो आम जनता है वो वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, हमने जो आम जनता है उसने सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लोगों को चुना. मतलब कि यहाँ पे जो आम जनता है, जो कॉमन लोग हैं, उन्होंने वोट दिया अपने अपने एमएलए को बनाने के लिए, ठीक है. अब एमएलए जो है एमएलए बन के किस में बैठे, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ गए. अब ये लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी एमएलए वगैरह बैठे वो वोट देंगे अपनी अपनी स्टेट के लिए. मतलब जो मान लो ये स्टेट है तमिलनाडु स्टेट है ये, राइट. अब तमिलनाडु में जितने भी लोग स्टेट लेजिस्लेचर में बैठे हैं, तमिलनाडु के स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट असेंबली में, यहाँ के लोग जो है वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे किसके लिए, राज्यसभा के लिए. कुछ इस तरीके से इनडायरेक्टली राज्यसभा के लिए लोगों को चुना जा रहा है. डायरेक्टली कब होता, जब ये आम जो जनता है वो डायरेक्टली इसको चूज करने के लिए वोट देती, बट ऐसा नहीं हो रहा, राइट. सो देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो जैसे हमने लोकसभा की बात की थी उसमें कितनी सीटें थी, उसमें थी 543, राइट. वैसे ही अभी हम राज्यसभा की बात करें तो इसमें 233 तो है वो है इलेक्टेड मेंबर्स की, जो 233 ऐसे लोग हैं जो कि अपने अपने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां से चुन के जाते हैं. वही 12 ऐसे लोग हैं जिनको कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट अपने जो यू कहें मर्जी से चुनते हैं, राइट. तो कुछ इस तरीके से पार्लियामेंट का जो पहला फंक्शन है हमने देखा गवर्नमेंट चुनने का, वो पूरा होता है, राइट.